चलिए हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, और ये आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो जैसा कि सबको मालूम है केमिस्ट्री तीन सेक्शन में डिवाइडेड होता है, ठीक है, जो कि थोड़ा इस टाइप से, फर्स्ट फिजिकल, सेकंड इनऑर्गेनिक, और तीसरा है ऑर्गेनिक। अब हम थोड़ा अपना 12th क्लास का सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस हमें कवर करना है इन तीनों में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल का। तो फिजिकल में सबसे पहला चैप्टर आपका आने वाला है वो है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, फिर सरफेस केमिस्ट्री। ये चार चैप्टर आ गया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक में हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में, ठीक है। टोटल आउट ऑफ 118 एलिमेंट कार्बन अकेला जाता है ऑर्गेनिक में, बाकी पूरा का पूरा 117 एलिमेंट्स आ जाता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेस्ट ऑफ द 117 एलिमेंट्स के बारे में बात करेगा। तो 117 एलिमेंट्स को अलग अलग करके पढ़ना मुश्किल है, तो उनको हम पीरियोडिक टेबल के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारा चैप्टर 11th क्लास में कवर हो गया है, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट भी चैप्टर कवर हुआ है, लेकिन कुछ पोर्शन रिमेनिंग रह गया है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा पी ब्लॉक एलिमेंट से। इसके बाद यहीं पे आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट में हमको पूरा पी ब्लॉक नहीं पढ़ना है, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 और 14 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 15 सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ बच गया ग्रुप 16, 17 एंड 18। डी और एफ हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक। अब इसका एप्लीकेशन, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन, तो ये स्टार्ट होगा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले हम इसके डी एंड एफ ब्लॉक का ये एक्चुअली में एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद एक चैप्टर आएगा मेटलर्जी, ठीक है, ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा बड़ा है। ऑर्गेनिक का स्टार्ट तो 11 में हो गया था, 11 में बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं जीओसी। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर आया हेलोएल्केन, हेलोएरीन, उसको हम लोग पढ़े थे। अब उसके बाद यहाँ फर्दर कंटिन्यू होगा, ठीक है। यहाँ जो चैप्टर है एक्चुअली में वो एक फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला चैप्टर जो आने वाला है वो है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, एल्कीन या फिर हेलोएरीन, फिर एल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट है एमीन्स। ये सारा फंक्शनल ग्रुप है अगर याद हो तो, ठीक है। जैसा कि बताया गया है जीओसी में बहुत सारा फंक्शन ग्रुप होता है, तो हर फंक्शन ग्रुप से एक चैप्टर डेडिकेटेड है। अब उसके बाद इसका आ जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में जो पहला चैप्टर होगा वो है बायोमोलिक्यूल्स, नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स के बाद पॉलीमर, और फाइनल चैप्टर आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये इस तरह का पूरा होल सिलेबस आपके सामने रख दिया गया है, इसी को हम लोग को पूरे एक साल के अंदर पढ़ना है। लेकिन अब जैसा कि लग रहा है कि एक साल भी हम लोग पास नहीं रहेगा, बहुत कम टाइम रहेगा, इसीलिए हम अब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको ये सिलेबस कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।